press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक बार और आप जरा उत्साह भरी तालियां बजा दीजिएगा। बहुत आनंद दिया, मोबाइल में अटक के हम रह गए हैं सब लोग। बात हमारे बड़े कवि हैं उदय प्रताप जी, उन्होंने एक बात कही है, और जहाँ जितने हमारे नए बच्चे बैठे हैं जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल कर। फैकल्टी के लोग भी समझे और पीछे के लोग भी समझेंगे। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। और अगली लाइन जरा ठक से लग जाए अगले पिछले लोगों के, तो तालियों का हुजूम उठे। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। और मोबाइल के जमाने के बच्चों को क्या पता कैसे रखते थे हम खत्म कलेजा निकाल कर, कैसे रखते थे हम खत्म कलेजा निकाल कर। वो जमाने खत्म हो गए जब कबूतर ले जाया करते थे चिट्ठियां। आजकल तो एक कबूतर जाता है, दूसरा जाकर तीसरी कबूतरी को दे आता है, वो काम हो नहीं पाता है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ मंच पे भी एक कबूतरी, मेरे मतलब कवित्री बैठी हुई है, वो जल्दी जल्दी में हो जाता है ऐसा। तो इतने कबूतरों ने जब अपना अपना वाचन कर लिया है कविता का, तो कौए के पास कबूतरी बैठी वैसे भी अच्छी नहीं लग रही है। आपको ऐसे लग रहा है काक भुजंडी के पास में कबूतर सफ़ेद रख दिया हो, या ऐसा लग रहा हो कि ट्रैक्टर के पास में एक मारुति रख दी हो। ये दोनों के दोनों बहुत ही गलत आदमी, तुम दोनों भाई बहनों की आदत ठीक नहीं है, ऐसे मत बैठा करो। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, अपनी एक आरएसी क्लियर कर रहा हूँ, कम से कम एक आदमी तो बीच में से हटे। ये पूनम वर्मा जो है ये अभी कविता पढ़ेगी, ज्यादा मत हंस तो मेरे हमारे भाई बैठा हुआ, मैं इतना शानदार फोटोग्राफर, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है फोटोग्राफर आगे चल के वही बनता है जिसे जिंदगी में बचपन में दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। ये बहुत बढ़िया वर्ल्ड लेवल का फोटोग्राफर, ऐसे थोड़ी बनाए, बचपन से काफी कुशागर बुद्धि का रहा हुआ है। अभी मैं गया ऐसे, मैं कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तो देखा एक आदमी गड्ढे के अंदर दाब रखा है। मगर ये क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा हूँ। अरे मैं कहा फोटो खड़े खड़े खींच ले यार, चलो भाई साहब पासपोर्ट साइज खींचनी है ना। भाई को गड्ढे में दाब दिया अगले ने, और मैं कहा बगल में तीन गड्ढे के खोद रखे, चलो तीन कॉपी बनानी है ना इसलिए। ये कुशागर बुद्धि का आदमी है, लेकिन फिर भी अच्छा आदमी है, ये तो बहुत ब्रिलियंट आदमी। वरना एक आदमी बहुत कंजूस किस्म का आदमी था, वो एक फोटोग्राफर की दुकान पे चला गया, कहना भाई साहब पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दो जिसमें जूते भी आ जाए और फिर भी आ जाए। इंडियन आदमी कंजूस बहुत होता है, ₹5 का काम ₹50 का काम ₹5 में करना चाहता है। कहना पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दो जिसके अंदर जूते भी आ जाए, खोपड़ी भी आ जाए। फोटोग्राफर भी ऐसा ही बुद्धिमान था, उसने धीरे से बात कही, मजा आ जाए ताली बजा दीजिएगा। कहना भाई साहब आ जाएगा, जूते उतार के सिर के ऊपर धर लो, दोनों एक साथ आ जाएंगे पासपोर्ट साइज के अंदर ही। लेकिन मैं डॉक्टर पूनम वर्मा को बुलाना चाहता हूँ। भक्तों, जिस देवी के प्रकट होने का जो समय हो गया है, मैं उसी देवी को आपको आगमन के लिए बुला रहा हूँ। जो संत प्रवर लोग यहाँ बैठे हैं, अपने बौद्धिक ध्यान केंद्र को अध्यात्म की ओर लगाएं। माँ देवी राधे माँ प्रकट होना चाहती हैं, इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। हालांकि नारायण साई का भी क्या भरोसा है यहाँ पे बैठा हुआ। कल कह रही थी मेरे से, कहला विनीत जी अब अचानक आप बुला लेते हो, अचानक मेरा तो अब आने का मूड नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो रहा है। अरे मैं मैडम ऐसी क्या बात है, कहना आपको मालूम नहीं मेरे पतिदेव की तबीयत खराब चल रही है इन दिनों, मेरे को उनकी सेवा में रात भर जगना पड़ता है, खांसी हो गई उनको। अरे मैडम खांसी के चक्कर में रात भर जगना पड़ा, एक ही तो कवित्री वो भी नहीं आएगी, ऐसे कैसे काम चलेगा। कहला विनीत जी ऐसा काम नहीं चलेगा, मैं तो आ ही नहीं सकती, रात भर जगना पड़ा मेरे को। मैडम मैडम देश की इतनी बड़ी कवित्री हो, खांसी जैसे सब्जेक्ट के लिए आपने एक नौकरानी क्यों नहीं रख ली, नर्स क्यों नहीं रख ली। अगली बात जो इन्होंने कही मेरे भी समझ में आ गई, कहला विनीत जी नर्स रख रखी थी, इसी जुगाड़ में रात भर मेरे को भी जगना पड़ा। ये उसी धार्मिक घर से आई हुई है, लेकिन प्रेम प्यार मनुहार की बड़ी कवित्री है। सुन लीजिएगा कि पीली चौंच हरे पंखों के पक्षी जब से मीत हो गए, नए बच्चों सुनिए मोहब्बत क्या है, इतना आसान नहीं आई लव यू कह दिया मोबाइल पर सेंड कर दिया। आग जो वक्ष में पली हुई, कुछ साइंस के बच्चे, मैं तो केमिस्ट्री का लेक्चर हूं अच्छी तरह जानता हूं, कांटा जिसके पैर में लगता है आंसू उसकी आंख से आना चाहिए। मोहब्बत क्या जीतती जैसा साहब, कांटा उसके पैर में लगता है आंसू आपकी आंख से आना शुरू हो जाता है। आग जो वक्ष में पली होगी लिख लीजिए अपने कलेजे पर, जिन्होंने एक क्षण भी किसी से मोहब्बत करी वो मथुरा से आई है। कृष्ण प्रेम के सबसे बड़े देवता माने गए हैं, मैंने सुना है। तो उन्होंने पूछा एक बार राधा ने, कृष्ण बहुत प्यार करते हो मुझे, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते। इस बात को सुन लेना, विज्ञान के लोग कहते हैं एक और एक दो होता है, गणित के लोग कहते हैं, व्यापारी लोग कहते हैं एक और एक 11 होते हैं, मोहब्बत परस्त लोग कहते हैं एक और एक सिर्फ एक होता है। इसी का नाम प्यार है, इसी का नाम मोहब्बत है।
कृष्ण से कहा मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। कृष्ण ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। कृष्ण ने कहा राधा शादी करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तुम ही बताओ हम दोनों में दूसरा कौन है। इसी का नाम प्यार। आपकी तालियां कमजोर है सर। आग जो वक्ष में पली होगी, एक क्षण भी आपने जिंदगी में अपने गुरु से, बहन से, पिता से मोहब्बत करी हो, अपनी प्रेमिका से मोहब्बत करी हो तो इस लाइन को समझ जाएंगे। आग जो वक्ष में पली होगी अंततः शब्द में ढली होगी। और समझदार लोगों यदि इस बार अपनी ताली खामोश रही मेरा दिल टूट जाएगा कि मैं गलत जगह कवित्री को बुला रहा था। आग जो वक्ष में पली होगी अंततः शब्द में ढली होगी और कृष्ण के पांव में पड़े छाले राधिका धूप में चली होगी। जोरदार तालियां डॉक्टर पूनम वर्मा को। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और उससे ज्यादा तो आप सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मन से आप सभी लोग सुन रहे हैं। अभी मन से तमाम बातें हुई, हास और वीरस की बातें हुई। मैं श्रृंगार के लिए आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ और कुछ प्रेम प्यार की बातें आप सभी से करने की कोशिश करूँगी। चार चार पंक्तियों से आप सभी के मन तक पहुँचने का प्रयास करूँगी। मैं अपना कविता पाठ शुरू करूं इससे पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूं कि मेरी कोई भी बात अगर आपके मन तक पहुंचे तो अपनी तालियों से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर आकर, मैं दूसरी बार यहां पर आई हूं और इसके लिए मैं यहां पर प्रिंसिपल साहब तो यहां पर आज आए नहीं हैं, मैं उन्हें अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। जय सिंह जी बैठे हुए हैं और महेश जी बैठे हैं और आप सभी लोग बैठे हुए हैं। अभी मेरे बारे में जब से मैं देख रही थी मंच पर बैठे हुए थे तब से तरह तरह की बातें करे जा रहे थे और मैं चाहती हूँ पहले मैं इनका हिसाब किताब निपटा दूँ उसके बाद कविता आप सुनाना चाहूँगी। तो बैठे किसी गुलकारे में किसकी फाइल निपटा है? नहीं देखिए मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ और हर बात का उत्तर देना जानती हूँ और हमारी महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं वो भी जानती हैं कि हम महिलाएं अब किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। मुझे राधे माँ बता रहे थे और जाने क्या बता रहे थे। मैं चाहती हूँ अपनी चार पंक्तियों से इनके सम्मान में समर्पित करना चाहती हूँ और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। आप लोग भी चाहते कि मैं इनकी बात का जवाब दूँ तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेश कीजिएगा। सुनिएगा ये मुझे कैसे लगते हैं, सुनिएगा मेरी दृष्टि इनके प्रति क्या है। सुनिएगा अच्छा ही लगता पहले सुन लो जान जी, मैं तो अपनी मन की बात कि न ये श्री राम लगते हैं न ये घन श्याम लगते हैं कि न ये श्री राम लगते हैं। शक्ल देखिएगा कि न ये श्री राम लगते हैं, इनसे अच्छे तो आप लोग हो। ये रजिस्ट्री करा लेंगे तुम्हारी अपने नाम। कि न ये श्री राम लगते हैं न ये घन श्याम लगते हैं, दहकते दिन से लगते हैं सुलगती शाम लगते हैं। कि है इनकी सादगी इस मंच पर केवल दिखावे की, है इनकी सादगी इस मंच पर केवल दिखावे की, ये डेरा सच्चा सौदा के रही मोराम लगते हैं। चेला भी मेरे बगल में बैठा ऐसा भी ऐसा नहीं। आप भी मुझे गीत लगती हो, संगीत लगती हो, कुल मिला के मुझे हनीप्रीत लगती है। मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ। और देखिए एक बार मुझे बता रहे थे कि मैं जब तक घर नहीं जाता हूँ मेरी पत्नी खाना नहीं खाती है। मैंने कहा क्या बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है, ऐसी स्त्री आजकल कहाँ मिलती हैं। बोले ऐसी बात नहीं, मैं घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। तो एक बार जोरदार तालियां। और बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरे बारे में क्या विचार है, मेरे बारे में क्या विचार है। तो मैं चार पंक्तियाँ और अपने विचारों की, अपने मन की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद शायद आप मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहना बंद कर देंगे। मैं कहना चाहती हूँ सुनिएगा कि सच कि बड़ी मुद्दत से ख्वाहिश थी मगर हम कह नहीं पाए, कि बड़ी मुद्दत से ख्वाहिश थी मगर हम कह नहीं पाए, और मिला जो आज मौका बिन कहे हम रह नहीं पाए, मिला जो आज मौका बिन कहे हम रह नहीं पाए। कि तड़प कर मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगी भैया। और तालियां तो आखिरी पंक्ति पर बजाइएगा कि तड़प कर मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगी भैया, अगर इस बार राखी पर बहन के घर नहीं आए, अगर इस बार राखी पर
करे पूनम जी, मैंने सारे काम खुद नहीं करता हूँ, मैं तो आदमी रखे हुए और मैं तो इस काम के लिए पवन आदमी को अपने पास बैठा रखता हूँ, जब भी ऐसा काम पड़ता है इसे भेज देता हूँ। मैं तो केवल 14 फरवरी के दिन आता हूँ। मैं चार पंखे और सपना चाहती हूँ, पवन जी भी बहुत हंस रहे हैं, मैं इन्हें भी सौंपना चाहती हूँ कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से, पहले और हट्टे कट्टे हुआ करते थे कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चीटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। और कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता वहाँ के हैं, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। एक बार जोरदार तालियां और बजा दीजिएगा इनके सम्मान में, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, देश के बड़े कवि हैं। क्या गलती से कोयले की खान में फंस गए, काला पीला होकर निकला बाहर। मैं देखिए अगर आप लोग चाहते तो मैं आखिरी चार पंक्तियां पढ़कर अपने कविता पाठ से जोड़ने की कोशिश करूंगी। एक बार जोरदार तालियों से मुझे बताइएगा, मैं इन्हें आखिरी चार पंक्तियां निवेद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बातें तो रात भर, अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और विनीत जी को भी पढ़ना है, लेकिन मैं अपनी चार पंक्तियां बिना कहे नहीं जाऊंगी, मैं पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भा गए, मोबाइल छोड़ो सुनो, कि सच ये कहूँ मुंबई से तो मिली थी तुम क्या ताली बजा दी यार, सारा काम ही मोबाइल का है यार, उसे ही बंद करवा दो तुम। सुनिएगा जी जी, कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भा गए, मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए, कि जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, कहने लगे कि मम्मी जी मामा जी आ गए। एक तो लड़कों का मेरे अब तक समझ में नहीं है किसकी तरफ। और देखिए चार पंक्ति में, आखिरी चार पंक्ति में एक राय देना चाहती हूँ, उस पर ढंग से अमल करना। बोलिएगा कि मांगो ना कुछ किसी से, सिर्फ ही दिया करो, कुछ काम शराफत के किसी दिन किया करो, कुछ काम आप लोगों का भी ध्यान चाहती हूँ, अगर आखिरी पंक्ति सही हो। मैं जी जरा जोरदार तालियां बजाइएगा, कहाँ बैठे हैं वो इस समय दिख नहीं रहे, कि कुछ काम शराफत के किसी दिन किया करो, अगर चाहते हो चैन से कट जाए जिंदगी, कि अगर चाहते हो चैन से कट जाए जिंदगी, ढलती उम्र है नाम प्रभु का लिया करो, ढलती अब ढलतेगा साथ मेरी भी ढलती उम्र है, तो गुणवीर राणा को क्या बोलेंगे यहाँ पर। लेकिन मैडम मैं लास्ट लाइन कहकर आपको बोला देता हूँ, क्यों कविता का समय हो गया, इस लाइन पे पटाक्षेप कर देता हूँ मैं सागरों का। देखो लड़कों, जब भी आपको भी कुछ मोबाइल करना पड़े, जब ज्यादा जिद पे आ जाए कोई ऐसी औलाद, पता ये लिख दिया करो, मैं सागरों का मिजाज हूँ अभी इस नदी को पता नहीं, ये सब लड़कों की तरफ से है, लड़कियों के तो खिलाफ पढ़ रहा हूँ मैं सागरों का मिजाज हूँ अभी इस नदी को पता नहीं, सब मुझ में आके मिल गई, मैं जाके किसी से मिला, सब मुझ में आके मिल गई। आइए मैं कहता हूँ, चलिए बहुत अच्छा, मैं भी कविता की चार पंक्तियाँ लड़कियों की और मातृशक्ति की तरफ से देना चाहती हूँ, जैसे आपने लड़कों की तरफ से दी है, मैं भी अपनी मातृशक्ति की तरफ से देना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम है और मैंने चार पंक्तियों में कहने की कोशिश की है, और आप सभी को लगे कि शायद मैंने कुछ अच्छा कहने की कोशिश की है, तो पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद देगा, मेरा हौसला बढ़ाएगा, मैं पंक्तियां निवेद करना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि मैं हूँ पूनम, मुझे भी ध्यान से सुनो और जानो, कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और जान मुझ पर निसार बार बार करते। यहाँ पर सभी लोग कविता को जानने वाले समझने वाले लोग बैठे हुए हैं, तब कहने कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं, कि मैं भला इंतजार क्यों करूँ सितारों का, मैं भला इंतजार क्यों करूँ सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। नहीं देखिए मैं थोड़ा सा टाइम कम है, मैं पूछ लेती हूँ एक बार, मेरा तो लेकिन मैं दो मुक्तक आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ और आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, इसीलिए जुड़िएगा, सुनिएगा।
अभी आप सब लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे चार पंक्तियाँ याद आती हैं। मैं कविता क्यों ले चलती हूँ, कविता से जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि छूले आसमां जमी की तलाश ना करे। इतने अच्छे लोग, जानदार श्रोता यहाँ पर शानदार बैठे हुए हैं कि छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, और बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। तो मित्रों, हंसने मुस्कुराने के लिए वजह की तलाश करेंगे तो पूरी उम्र छोटी पड़ जाएगी। एक बात और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो लोग हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो कभी स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि जहाँ जाते हैं वहीं स्वर्ग बना लेते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिएगा और चार पंक्तियां कहने की कोशिश करती हूँ, इसी तरह मन मानती सुनिएगा। कि किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश। आप लोग चाहे तो तालियां वालियां बजा कर साथ देते। कि किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ। कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, मैं ब्रज की बांसुरी हूँ प्रेम का संदेश लाई हूँ, मैं ब्रज की बांसुरी हूँ प्रेम का संदेश लाई हूँ। और चार पंक्तियाँ आप सभी को सौंपना चाहती हूँ। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा मन है कि आपके अपने मन की बात कहने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा कि मैं ब्रज की बांसुरी हूँ प्रेम का संदेश लाई हूँ, किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं। आपके मन की बात कही हो तो साथ दीजिएगा। कि किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं, जिसे चाहा था जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं, जिसे चाहा जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं। ये दरिया कैसा दरिया है कि जिसमें डूब जाने को, ये दरिया कैसा दरिया है कि जिसमें डूब जाने को, मोहब्बत में यहाँ देखो सभी तैयार बैठे हैं, मोहब्बत में यहाँ देखो सभी तैयार बैठे हैं। और इसी श्रृंखला की आखिरी चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। आप सभी का मन बहुत मोहब्बत में यहाँ देखो सभी तैयार बैठे हैं, तुम्हारे दिल के कोने में कहीं मेरा ठिकाना है, तुम्हारे दिल के कोने में कहीं मेरा ठिकाना है, कहीं मेरी है मजबूरी कहीं तेरा बहाना है। भले मुँह से न बोलो पर मुझे मालूम है ये भी, भले मुँह से बोलो पर मुझे मालूम है ये भी, इधर मैं भी दीवानी हूँ उधर तू भी दीवाना, इधर मैं भी दीवानी हूँ उधर तू भी दीवाना है, इधर मैं भी दीवानी हूँ उधर तू भी दीवाना है। और आइए गीत पढ़ना चाहते हैं। पुरुष बलशाली है कि पर जीती हमेशा नारी है, और सांवरिया के 56 भोग पर, बात सही हो तो आशीर्वाद दीजिएगा कि सांवरिया के 56 भोग पर सिर्फ एक तुलसी भारी है। तब मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ, एक बार जोरदार ताली से बजा दीजिए। पहली बार पढ़ रही हूँ और मन से सुनिएगा, साथ दीजिएगा, सुनिएगा। कि ओ उल्फत के दीवानों, ओ उल्फत के दीवानों, ओ चाहत के परवानों, मन की ये आंखें खोलो हमको ढंग से पहचानो, मन की ये लोग जो इधर उधर चल रहे हो तुमसे निवेदन है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। कि ओ उल्फत के दीवानों, ओ चाहत के परवानों, मन की ये आंखें खोलो, आप लोग तालियां वालियां बजा कर मेरा साथ दे सकते हैं। कि ओ उल्फत के दीवानों, ओ उल्फत के, देखिए सब लोग मिलकर जब ताली नहीं बजाएंगे मैं इसी लाइन को रात भर दोहराती रहूंगी, और विनी जी को पढ़ने का मौका नहीं दूंगी, आप लोग को जानने का मौका नहीं दूंगी। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, आपका भी ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा, आपका भी ध्यान चाहती हूँ और आप भी ध्यान दीजिए। शशांक जी शराब बहुत बनाइए, आप ध्यान दीजिए, सुनिएगा।
कियो उल्फत के दीवानों, ओ चाहत के परवानों, मन की ये आंखें खोलो हमको ढंग से पहचानो, मन की ये आंखें खोलो हम ढंग से पहचानो, हम बिजली की चमकार, हम बिजली की चमकार हमारे क्या कहना, हम बिजली की चमकार हमारे क्या कहना, हम रंगों का त्योहार हमारे क्या कहना, हम रंगों का त्योहार हमारे क्या कहना। और वृंदावन से आई तो एक दृश्य प्रस्तुत करने की वचनी सोनिया कि हम रंगों का त्योहार हमारे क्या कहना, कि रख रूप सदा अलबेले, रख रूप सदा अलबेले, हम यमुना तट पर खेले, वृंदावन मेरा सोके हमने ही लगाए मेले, वृंदावन मेरा सोके हमने ही लगाए मेले। साथ दीजिएगा कि वृंदावन मेरा सोके हमने ही लगाए मेले, हम कान्हा के गलहाल, हम कान्हा के गलहाल, हम कान्हा के गलहार हमारे क्या कहना, हम राधा का श्रृंगार हमारे क्या कहना, हम राधा का श्रृंगार हमारे क्या कहना। और अगला पंक्ति प्रस्तुत करती हूँ, आप सभी का साथ चाहती, सुनिएगा कि हम राधा का श्रृंगार हमारे क्या कहना, कि मीरा सी दीवानी में, विनीत जी राजस्थान से आए, मैं उन्हें पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि मीरा सी दीवानी में, मीरा सी दीवानी में, रांझे की हीरानी में, रांझे की हीरानी में, तेवर से आग लगा दी हमने बहते पानी में, तेवर से आग लगा दी हमने बहते पानी में, हम दिल के हैं दिलदार, हम दिल के हैं दिलदार, कि हम दिल के हैं दिलदार हमारे क्या कहना, हम मस्ती की जनकार हमारे क्या कहना, हम मस्ती की जनकार हमारे क्या कहना। और जीत का अंतिम मैं निवेदन करती हूँ, आप सभी से भरपूर आशीर्वाद लेकर विदा चाहूंगी, कहने की कोशिश करती हूँ, आपके आंगन रखना चाहती हूँ, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा कि हम राधा का सिंगार हमारे क्या कहना, कि कोई न हमें अब रोके, कोई न हमें अब टोके, कोई न हमें अब रोके, कोई न हमें अब टोके, हमसे है सारी दुनिया, हम है खुशबू के झोंके, हमसे है सारी दुनिया, हम है खुशबू के झोंके, हम जीत में बदले हार, हम आपको साथ दीजिए कि हम जीत में बदले हार, हम जीत में बदले हार हमारे क्या कहना, हम जीत में बदले हार हमारे क्या कहना, हम रंगों का त्योहार हमारे क्या कहना, हम रंगों का त्योहार हमारे क्या कहना, हम है मोदी सरकार हमारे क्या कहना, हम है मोदी सरकार हमारे क्या कहना, तुम हो योगी सरकार तुम्हारे क्या कहना, तुम हो योगी सरकार तुम्हारे Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.